लोकसभा चुनाव से पहले तीन दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही नेताओं का दल बदलना शुरू हो चुका है। वर्तमान में सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे तीन दिग्गज नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है राहुल कस्वा। हम आपको बता दें कि राहुल कस्वा दो बार चूरू से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चूरू से राहुल कस्वा का टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक में दो बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टिकट कटने से नाराज राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। राहुल कस्वा ने भाजपा छोड़ने से ठीक पहले चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों को एक इमोशनल मैसेज लिखा था। राहुल कस्वा ने लिखा था, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, मेरे परिवारजनों, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। राजनीतिक कारणों के चलते आज इसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल कस्वा का कहना है कि मुझे टिकट कटने की वजह नहीं बताई है, मेरा कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, आखिर मेरी गलती क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कस्वा का बीजेपी से टिकट काटा गया है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ चूरू की तारानगर सीट चुनाव हार गए थे। इसके लिए इशारों इशारों में राहुल कस्वा को जिम्मेदार ठहराया था। इशारों में ही राहुल कस्वा को जयचंद बता दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद राहुल कस्वा ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। मेरे लोकसभा सीट के लोगों की आवाज को सुनते हुए मैं आगे भी वैसे ही काम करता रहूंगा। आगे राहुल कस्वा ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार किसानों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए मैं आज कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं जनता के हित में काम करता रहूंगा। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम है ब्रजेंद्र सिंह। हम आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह 2019 में हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन वर्तमान में ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ते वक्त कहा था कि मैंने राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हिसार के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया था। हम आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह हिसार की लोकसभा सीट पर बीजेपी का एक दमदार चेहरा माने जाते थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होते ही हरियाणा में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है चौधरी बीरेंद्र सिंह। हम आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले ब्रजेंद्र सिंह के पिताजी हैं। बीरेंद्र सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा बीरेंद्र सिंह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले बीरेंद्र सिंह अपने बेटे के भाजपा छोड़ने के बाद खुद भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, राजनेताओं का दल बदलना सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।